दुनिया में ऐसे कम ही लोग होंगे जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने की चाहत रखते हों। ऐसा ही एक सलूजा परिवार धार में देखने को मिला, जिसने अपने मुखिया की जमा धनराशि न सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए खर्च की बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए जो अपने माँ बाप की संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते हैं और उन्हें जीते जी घर से बाहर निकाल देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरे रिपोर्ट। दरअसल ये है धार का छोटा सलूजा परिवार, जो बहुत ही सुखी परिवार है, जिसका कारण है कि यह परिवार अपने लिए कम बल्कि दूसरे की भलाई के लिए ज्यादा जीता है। और इसका ताजा उदाहरण है कि इस परिवार ने अपने पिता की लाखों रुपए एफडी की राशि शव वाहन बनवाने के लिए खर्च कर दी, जिसका उपयोग शहर के समस्त लोग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके ड्राइवर और ईंधन खर्च भी सलूजा परिवार ही उठाएगा। श्री रविंदर सलूजा का कहना है कि उनके पिता की इच्छा थी कि उनकी जमा पूंजी सार्वजनिक काम में लगाई जाए। उन्होंने बताया कि एक दिन धार के बस स्टैंड पर लावारिस लाश को ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं हुआ, तो लोगों ने चंदा करके शव को भेजा। उसी दिन उन्होंने घर के लोगों से चर्चा की और एक सुंदर शव वाहन बनवाने का फैसला किया, जिसकी लागत 8 लाख रुपए है, जो 10 फरवरी को अपने बेटे की शादी के अवसर पर धार कलेक्टर श्रीमन शुक्ला के हाथों से शहर को समर्पित करेंगे। रविंदर मिंटू सलूजा, निवासी पट्टा चौपाटी धार। अच्छा साहब, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? सर, मैं एक दिन बस स्टैंड की जब मुझे खबर मिली कि एक लाश लावारिस पड़ी हुई है और उस पर चंदा कर करके लोगों ने बस में या शव वाहन में या प्राइवेट गाड़ी लेके उसके शव को जो है उसी गांव पहुंचाया, मेरे मन में प्रेरणा जाएगी। मैंने मेरे माता जी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों से सलाह करी कि क्यों ना पापा जी के नाम की एफडी जो है उस एफडी को इसका सराहनीय कार्य में लगाया जाए। सतत 2 महीने से इसी काम में लगे हुए थे हम, हमने ओपन नहीं करा था। अब जाके मेरे बालक की शादी आई तो मैंने कहा चलो इस चीज़ को 1-15-2-5 वाली बात आ जाएगी, तो ये चीज़ जो है अपन 11 तारीख को मेरे बेटे की शादी है, 10 तारीख को जो है अपने को शव वाहन को जो है लोकार्पित करना है। जो ऐसे किसी गांव वाला भी आता है या किसी प्रकार की कोई लाश वाश होती हो उसको भी देने में अपन संकोच नहीं करेंगे। अच्छा, आपके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि वो पैसा जो है समाज सेवा के कार्य में लगा? यही बिल्कुल यही इच्छा थी उनकी कि भाई ये पैसा जो है किसी ऐसे कार्य में लगा जाए जिससे मेरा नाम और मेरे परिवार का और मेरे बच्चों का नाम ऊंचा हो। जी हुई, हमको अपने बच्चों पे इतना नाज है कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतना बड़ा काम कर जाएंगे। बहुत खुशी हुई हमको। क्या दादाजी की अंतिम इच्छा क्या थी? हाँ, यही इच्छा थी उनकी कि क्या? मेरे नाम से कुछ भी अच्छा कार्य कर जाओ ताकि दुनिया याद करे और तुम्हारा नाम रोशन हो। ये जो एफडी के पैसे पूरे लगाए हैं दादाजी के नाम के ही थे? जी जी, उनके नाम के थे। उन्होंने उसी दिन ही निकाल के दे दिए थे, ये लो मेरे पैसे, मेरे कार्य में लगा देना।